महाराष्ट्र में CAA और NRC पर BJP उद्धव सरकार आमने सामने है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लाचार CM हैं और सोनिया गांधी के इशारों पर नाचते हैं। कभी शिवसेना लोकसभा में CAA पर समर्थन करती है तो वहीं कांग्रेस के दबाव के आगे उसने राज्यसभा में बिल पर वोट ही नहीं किया। दूसरी तरफ दिल्ली में CAA पर आयोजित हुई सोनिया गांधी की बैठक में शिवसेना शामिल नहीं हुई, लेकिन अब एक बार फिर CAA पर BJP और शिवसेना आमने सामने है। मामला महाराष्ट्र के एक स्कूल में CAA के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम को लेकर है। कार्यक्रम के आयोजन में शिवसेना आग बबूला हो गई। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ समेत बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य सरकार की ओर से सभी प्राइवेट स्कूल्स को नोटिस जारी कर CAA और NRC को लेकर लेक्चर्स पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ की माने तो स्कूल्स को नोटिस जारी कर चेतावनी जारी की गई है कि CAA और NRC पर लेक्चर्स, क्लासेस, ट्यूशन, ट्यूटोरियल्स नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्होंने BJP पर निशाना साधा और इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि राज्य सरकार स्कूलों को राजनीति का अखाड़ा बनाने की अनुमति नहीं देगी। इसमें पहले CM उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे इस मामले में पहले ही अपनी नाराजगी जता चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर CAA पर शिवसेना का स्टैंड क्या है? कभी बिल का विरोध करती है तो कभी समर्थन। क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस के आगे मजबूर हैं और उन्हें अपनी CM पद की चिंता सताने लगी है? दूसरी तरफ उद्धव को अपना हिंदुओं का वोट बैंक भी दिखता है, क्योंकि एक समय था जब उद्धव और उनकी पार्टी इस बिल का समर्थन करती थी और हिंदुत्व की राजनीति, लेकिन हालात बदले तो अब शिवसेना सेक्युलर हो गयी।